अस्सलाम वालेकुम भगवान या अलैहिस्सलाम वस्सलाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्यूटीफुल, नो, इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल डे। आज तो कुछ एक अलग ही दिन है, अलग ही कश्मकश है। आज मेरा आखिरी दिन है इराक में, नजफ़ अशरफ में। आज आखिरी दिन है, जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ से। मतलब कुछ अजीब सा ही मन हो रहा है, तो बस हमारा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं है, जबकि हमें अभी ईरान जाना है। ईरान में रोज़ा इमाम अली रज़ा है, वहाँ पे जाना है, मासूम का रोज़ा है, वहाँ जाना है। लेकिन यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है। आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं हरम मौला अली में मौजूद हूँ। नमाज का वक्त है, सुबह का 5 बजे है, बस नमाज पढ़ी है, जमात हुई है अभी, और अभी हमारी जो है, हम यहाँ से 11 बजे अपने होटल से 11 बजे जो है वो अपना चेकआउट कर जाएंगे। उसके बाद हम लोगों की जो फ़्लाइट है वो है 3:30 अराउंड, हम लोगों की फ़्लाइट है। तो बस जाएंगे ईरान, और ईरान में आज जो है वो हमारे भाई भी मौजूद हैं, आ रहे हैं ईरान, आ रहे हैं हमारे भाई आज इंडिया से। तो बस ईरान जाएंगे और इमाम अली रज़ा के रोज़े पर जाएंगे। लेकिन आप नहीं जान, आप जो करबला आए हुए हैं वो लोग जान सकते हैं कि क्या तकलीफ़ होती है यहाँ से जाने में, करबला से इराक से जाने में क्या तकलीफ़ होती है। तो मैं दुआ करूँगी सबके लिए, बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी, जितने भी लोग दिल में मोहब्बत रखते हैं कि वो करबला आए, मौला उन्हें करबला सबको बुलाए। जो नहीं रखते हैं उनके दिल में वो मोहब्बत जागे कि वो करबला आए, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द सभी लोग करबला मौला की नजफ अशरफ की ज्यारत करें। इंशाल्लाह मौला ये शरफ सबको हासिल करें। तो इस ये है हरम मौला इमाम अली, ये बेसमेंट का बेसमेंट एरिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, यहाँ जमात हुई है, यहाँ लेडीज़ ने नमाज पढ़ी है। तो बस फिलहाल मैं चलती हूँ अब अपने बाहर, देखते हैं। वक्त हो गया अब जाने का, नमाज हमने पढ़ ली है, और ठंडी भी हवाएं चल रही हैं आज सुबह में। मैंने ईरान में थोड़ी ठंड होगी, यहाँ पे इतनी नहीं थी ठंड, तो ईरान में ज़्यादा रहेगी। अब इस वक्त सुबह में, सुबह का वक्त है, तो सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी ठंड रहती है। तो अब देख सकते हैं सुबह का वक्त है, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, सब नमाजी सुबह सब लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए हरम में। तो बस मौला को सलाम अर्ज करेंगे और फिर वापस अपने रूम की ओर जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, चलते हैं रूम की ओर। तो मौला के हरम का पानी पी लेते हैं। पानी नहीं पी गया हमने, अब बस इतना स्लीपर्स लेंगे, उसके बाद वापस रूम की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा रेस्ट भी करना है, क्योंकि हम लोगों को सुबह ही निकलना है, 11 बजे तक हम लोग चेकआउट कर जाएंगे अपने होटल से। चल किसी का भी यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, सबको इधर ही नजफ में ही रहना है। अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन,
बस थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। रेडी वगैरह मैं हो चुकी हूँ, सब लोगों का सामान नीचे जा चुका है, कुछ लोग अपने नहीं जा रहे हैं, जल्दी जल्दी टाइम हो गया हम लोग का जाने का, तो बस चलते हैं। बहुत बेकार बेकार का दिन है आज, क्योंकि हम लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए तो आप देख सकते हैं। चलें सामान देखिए जरा कितना है, ये सब लोगों का सामान है, तो बस अब जा रहे हैं अपने भैया बस की तरफ। सब हो गया है, अब वक्त है नमाज का, तो नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी 3 बजे की फ्लाइट है, सब लोग वेट कर रहे हैं वेटिंग एरिया में, फिर बस ईरान के लिए टेक ऑफ कर जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं, नमाज का वक्त हो गया है, यहाँ पे नमाज रूम भी बने हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये फीमेल्स का है, मेल का अलग है, ये रहा विमेन प्रेयर रूम, चलते हैं। सो फाइनली द वेट इज ओवर, फ्लाइट का टाइम हो गया, हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट के, हमारी फ्लाइट है ईरान की, तो बस चलते हैं। हेलो आजम भाई, कौन है? वीडियो बना के चाची और अली का है, इसकी वीडियो दी मदद की। हाय, अच्छा पानी ले रहे हैं। हाय अली, अली अली, हेलो अली, अली क्या हाल है? अली हेलो तो बोल दे, अली हेलो, अली से हेलो। मैं क्या क्या बोलने जा रही हूँ, हाँ 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 हाँ, थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है यहाँ पे। अभी बेटे पकड़िए, मौलाना कहाँ चले गए?
वाह भाई वाह, क्या रूम है, नाइस। ईरान में तो बहुत ही जबरदस्त रूम मिला है हमें। वाह भाई, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये एक फ्लैट टाइप बना हुआ है, ये इसमें किचन भी है, वॉशरूम, किचन, एलईडी, ये अलमीरा, सोफे वगैरह, दो बेडरूम सेट है यहाँ पे, ये टू बेड है, ये टू बेड है, नाइस। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं ईरान, अपने रूम में पहुँच चुके हैं, अब बस खाना वाना खाएंगे और बस हो सकता है हरम भी जाए इस वक्त क्योंकि रात हो रही है, तो